इसमें कुछ कुछ अंक लिखे हुए हैं, कलर ब्लाइंडनेस है वो लाइफ में एक के बाद टेस्ट देते हैं। तुम पूरा ब्लाइंडनेस है। अब जो आपका टेस्ट ले रहा है ना, उसको पता है कि कहाँ फंसेंगे। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, दो चीजें में इजीली अंतर कैसे देखा जाता है, दो चीजों में इजीली अंतर कैसे हो जाता है? अंपतनांग में जितना ज्यादा अंतर होगा उतने ज्यादा आपको क्या होगा, चीजें इजीली अंतर दिख जाएगी। अब जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, जिनको भी कलर ब्लाइंड, वो दो रंग, वो अपवर्तनांक में अंतर ज्यादा नहीं कर पाते। यानी अगर चीजों में हल्का अंतर है ना तो नहीं पकड़ पाएंगे। हल्का पीला और हल्का गुलाबी में उनको अंतर ही नहीं दिखेगा। जैसे येलो कलर, डार्क येलो तो आराम से दिख जाएगा, लेकिन अगर हल्का येलो है और हल्का पिंक है तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस वाले की जांच ऐसे ही कर ली जाती है कि अपवर्तनांक में अंतर देख पा रहा है कि नहीं, तो उसकी जांच के लिए इसी हीरा चार्ट पेपर का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं? कलर ब्लाइंडनेस में। किसमें? कलर कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, जिसको अपवर्तनांक में अंतर नहीं समझ में आएगा, उसमें इसमें कुछ कुछ अंक लिखे हुए हैं। आप गौर से देखिएगा ना, कुछ कुछ क्या लिखा है अंक। अब जिसको दिक्कत अपवर्तनांक में होगा वो इसको देख पाएगा? उसको देखने में क्या होगा, दिक्कत होगा। देखा जाए, आपको ऐसे ही एक डायरी देगा, जब जाएंगे ना अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक करने, तो ऐसे डायरी देगा। हल्ला नहीं करो, अरे बकलोल, कलर ब्लाइंडनेस चेक नहीं हो रहा है, ये अभी हम फर्स्ट पेपर दिए, जब एग्जाम में चेक होगा ना आपको दिख जाएगा, पता नहीं चलेगा इसको बोले कौन सी। अंक ना दिया है वो रास्ता बना ले रहेगा। कन्फ्यूज दियो मेडिकल, किस चीज का? नेवी, नेवी डायरी होता है, फटाफट पलटता है सब कभी कभी। अब मूड खराब रहेगा तो बड़ी तेज पलटने लगता है सब। हम लोग गए थे जांच करने, मूड खराब था तेज, पर हम कहे इतना तेज कौन सी पलट रहे हैं, घुसिया के हमको देखने लगे। कभी आराम से हमको दिख गया था कि वहां पे क्या है, लेकिन वो रास्ता बनाया था इसे टेढ़ा, तो हमको कौन सी पता चल रहा है। यहां ना आप अंक बनाए हैं तो फटाफट संख्या बता देंगे। तो बताइए, दोनों में अपवर्तनांक में ज्यादा का अंतर है तो क्या चेक कर लेगा? कलर ब्लाइंडनेस। जैसे आप लोग बताइए तो इसमें कौन सा अक्षर है? हाँ बबनी, तुम बताओ। नहीं नहीं नहीं, पीछे बोतल रख लिए। यह दिखा इसमें क्या है? 45। कितने लोग को नहीं दिखाई बताओ, नहीं समझ में आया? आप कलर ब्लाइंडनेस आपको क्या करना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा, समझा? आप चेक कराइएगा इसमें। बकलोलवा अंगड़ाई लेगा तुम यहाँ पे, रक्षाबंधन तुम्हारा लड़का लोग का नहीं है, अभी बाहर टंगवा लेंगे हम नगर निगम को बोल के। नगर निगम को बोल के तो ले जाएंगे ना, तो गड़िया में ले जाएगा अपने। दिख गया इसमें? बताओ ये बता दो। हाँ, पांच कौन बोला था? 15 है इसमें, 3। तो जितने लोगों को दिख जा रहा है, देखिए कलर ब्लाइंडनेस ना कोई एग्जाम टेस्ट नहीं है। आपको अगर दिख रहा है तो आप बता देंगे, और नहीं दिख रहा है तो नहीं बता पाएंगे। चश्मा के बाद भी दिख जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा के बाद भी आपको कलर ब्लाइंडनेस अगर कोई दिख जा रहा है इजीली, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज में दिक्कत कहाँ आता है यहाँ बताइए तो। कितना है? हाँ, कितने लोग को नहीं दिखा आपको? बाबू जो हाथ उठाते दिखा? नहीं, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कलर ब्लाइंडनेस है, आपको नहीं दिख रहा होगा, अंतर नहीं ना दिख रहा है। तो ये चीजें जो है ना नेचुरल चीज हो जाती है।
तो दो चीजें है ना ऐसा, एग्जाम में जब आप जाइएगा ना, अगर एनडीए निकालिएगा तो जब आप एनडीए एसएसबी में जाइएगा ना, एयर विंग दीजिएगा ना, तो पीएबीटी टेस्ट होगा, पायलट एप्लीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट। समझ में गया? लोको पायलट में नहीं, गधा को नहीं, फ्लाइंग पायलट में। लोको पायलट में तो कलर विजन चेक होता है, एक पीएबीटी टेस्ट होता है कि आपके अंदर पायलट बनने वाली योग्यता है या नहीं है। वो लाइफ में एक के बार टेस्ट देते हैं लोग, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको दिख रहा है वो एक के बार में पास हो जाएगा, और नहीं दिख रहा हो तो दिन भर दिखाते रहिए उसको, दिक्कत आएगा यहाँ पर। उसी तरह पीएबीटी टेस्ट होता है कि पायलट की आपके अंदर पायलट वाली क्षमता है या नहीं है। वो सब चीज़ें लाइफ में एक ही बार टेस्ट देना होता है आप लोगों को। अभी आर्मी में हुआ था, हाँ ये तो जांच हो गया। तो ये कौन से हो गया बाबू? कलर ब्लू। लड़की लोग में किसी को, जितने लोगों का कलर ब्लाइंडनेस है ऐसे मेडिकल में मत भरिएगा जिसमें कलर ब्लाइंडनेस की चेक हो रही हो, अदरवाइज में आपका बिना मतलब मेहनत बर्बाद जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी एग्जाम में जाइए जहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस मांग रहा हो, दूसरे में चले जाना बाबू, क्या दिक्कत है? समझा गया? किसी में चल जाना जिसमें ब्लाइंडनेस की जरूरत नहीं रहती है। हम लोग के साथ कई तो छटा था सब, लो ये बताओ, हाँ 25 सांप दिखा, अब बोलेगा 25, और वो जो वहाँ एग्जाम लेने वाला होता है ना, आपको इतना नहीं देखेगा, वो सांप 25 बोले हैं कि नहीं, उसको पता है ये सांप वाला है। और ये पूरे चार्ट पेपर में जब टेस्ट लिया जाता है ना, तो इतना याद रखिए, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है भी ना, वो 3-4 को बता देता है, समझिए 3-4 को बता देता है। उसको पता है कि ये जो 9 स्लाइड दिख, कितना है, 12 है, 12 है, 12 को 13 को कहाँ से दिख गया रे, तुम पूरा ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, पूरे ब्लाइंड हूं। तो 12 स्लाइड में 4-5 ऐसे स्लाइड होंगे इसमें जिसमें पक्का कलर विजन वाला क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अब जो आपका टेस्ट ले रहा है ना, उसको पता है कि कहां फंसेंगे, जैसे उसको दिमाग में सेट है कि ये क्या है, सांप है। अब पलटा 25 बोल दिए ना, जाओ, जैसे बोले 25 जाओ, तो आप कहेंगे सर सर नहीं रास्ता है, एक और मौका देगा उसको। उसको पता है कि 12 में 12 में आप नहीं फंसेंगे, उसके 3-4 गो है जो सबसे टफ आया उसी को पूछेगा और उसी में फंस जाएंगे। दिक्कत कब आता है ना, जब अंक रहता है तो बता देता है, ABCD बता देता है। इस जो आदमी सांप है कि क्या है बताइए नहीं पता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे इधर यह कौन चीज लिखा है जी, ये फूल बनाया है क्या? हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लाइट जाते हैं तो हमारा कलर ब्लाइंडनेस टाइप का लग रहा है। अच्छा फूल टाइप का लग रहा है, हाँ फूल है ना, हाँ तो फूल बना दिया उधर। ये अमीबा, ये क्या है, दिख रहा है अमीबा, हो जाता है कभी कभी। ये आगे क्या लगाया हुआ है जी, इसको हटाओ तो, फ्लावर है, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। मेरा BPSC में क्या होगा, DSP नहीं SDM बनना, अभी 30-32 को सीट फिर बढ़ाया है, इसमें BPSC में सीट फिर बढ़ाया, कल का कल खूब बढ़ाया, BPSC प्रयोगशाला हो गया है। हा? आगे बढ़े, ये बता दो तो भाई, तो कोई बता देगा, खाली सांपे भर ले इसमें, हाँ किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए बाबू। अपवर्तनांग का काम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जीत? अच्छा अपवर्तनांग में ज्यादा अंतर आएगा फटाक से देख लेंगे। जैसे यहां पे देखिएगा, हम लिखते हैं, बताइए क्या लिखे हैं, क्योंकि पीछे जो अपवर्तनांग के व्हाइट कलर का है उसका अपवर्तनांग काफी क्या है, अंतर है, और रेड कलर से हम लिखे उसका काफी अंतर। इजी देख लिए कि नहीं देख लिए? उसमें क्या है, बूंदा बूंदी पोतले है इतना, क्या पता नहीं क्या हो गया है, गायब हो गया। तो इसीरा चार्ट पेपर बोलते हैं इसको।
आपको नहीं दिख रहा है? क्या दिखा? हाँ ठीक है, 7 है। ये बताओ, ठीक है, जांच कर सकती हूँ। डर गया है सब।